हृदय रोग चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। भारत में 20 से 30 वर्ष के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बढ़ते मामले हृदय रोग विशेषज्ञों यानी कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इस दिशा में निरंतर शोध जारी है। इसी कड़ी में हार्ट फाउंडेशन द्वारा लिवासा अस्पताल के सहयोग से कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोधों की जानकारी साझा करने के लिए रविवार को चंडीगढ़ में शैक्षणिक कार्यक्रम CIIST 360 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामी 250 से ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट व फिजिशियन ने अलग अलग हृदय रोगों और इस बीमारी के इलाज से जुड़ी नई नई तकनीकों पर मंथन किया। इस दौरान कुछ चुनिंदा केसों पर बात हुई। हार्ट फाउंडेशन के संस्थापक संरक्षक और लिवासा अस्पताल के कार्डिक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर HK बाली ने कहा है कि नई नई तकनीकें और दवाइयां आज लाखों हृदय रोगियों की जान बचा रही है, खासकर उन लोगों की जिनका हृदय सामान्य ढंग से काम नहीं करता है और पारंपरिक तरीकों से इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसे मरीजों की एंजियोप्लास्टी के दौरान उनके हृदय में एक लघु पंप इम्पेलर डाला जाता है ताकि बेहतर परिणाम आ सके और वह तेजी से रिकवरी कर सके। इसके साथ ही उन्होंने IVUS और OCT का उपयोग करके इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी के महत्व पर जोर दिया, जो बेहतर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम प्रदान करता है। इसके साथ ही उच्च सर्जिकल जोखिम वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए TAVI नामक परक्यूटेनियस तकनीक सुरक्षित है। बीमारियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन करी और उसमें जो स्पीकर्स हमारी जो फैकल्टी आई थी वो डिफरेंट पार्ट्स से आई थी, दिल्ली से, कलकत्ता से, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे और उस पर काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कशन हुई। सबसे पहले तो ये हमने दोबारा इसके बारे में सोचा कि जो हार्ट की बीमारियां इंडिया में बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके बारे में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके बारे में हमने डिस्कशन भी करी और कुछ कंक्रीट प्रपोजल भी बनाए कि क्या हमें करना चाहिए। और जो बीमारियां हो गई हैं, जिन लोगों को बीमारियां हो गई हैं, उसमें हार्ट की बीमारियों में दिल की नाड़ियों की बीमारी है या वेल्व्स की बीमारी है, उनका कैसे इलाज कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया में प्रोग्रेस होती रहती है, बीमारियों को ट्रीट करने के नए टेक्निक्स आते हैं, दवाइयां भी आती हैं, इंटरवेंशंस भी आती हैं, सर्जरी भी आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो नए टेक्निक आएँ उसके बारे में डिस्कशन भी हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया जाए और वो जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं इस रीजन के, उनको भी बताया जाए कि ये नए टेक्निक आए हैं, नई दवाइयाँ आई हैं और इससे कैसे उनके पेशेंट्स को बेनिफिट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बात करी दिल की नाड़ियों का इलाज करने में क्या नया है और उसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप समझते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग लोग भी हो रहे हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें जो नाड़ियों में ब्लॉकेट होता है वो काफ़ी कई बार बड़ा कैल्सीफाइड होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, नाड़ियों में कंप्लीट ब्लॉक होते हैं, डिफ्यूजली डिजीज्ड होती हैं और उनमें से कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका इलाज आज तक या तो पॉसिबल नहीं था या उसका बड़ा हाई रिस्क था। उनको हम कहते हैं नो ऑप्शन पेशेंट्स, कि दवाइयों से असर नहीं हो रहा है, एंजियोप्लास्टी का रिस्क बहुत ज़्यादा था और बाईपास पॉसिबल नहीं था। तो जो आजकल टेक्निक जिस तरीके से एंजियोप्लास्टी की जाती है उसको हम दो हिस्सों में बात बांधते हैं। एक हम कहते हैं इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, उसका मतलब है कि या तो इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से या OCT से, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के गाइडेंस में हमें एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमें किस तरीके से नाड़ियों का इलाज करना है और इलाज करने के बाद उसका रिजल्ट बिल्कुल ऑप्टिमम आया। तो एक ये, इसको हम कहते हैं प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी। और दूसरा, जो पेशेंट जिनका कमज़ोर हो गया है, हार्ट मसल कमज़ोर हो गया है और उनमें हम अगर एंजियोप्लास्टी करें तो उसमें बड़ा रिस्क रहेगा, तो उसमें हम कई ऐसे एडिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं कि वो प्रोसीजर सेफ हो। वो हम उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी। एक स्पेशल किस्म का पंप होता है, माइक्रो मिनिएचर पंप है, जो हम ग्राइन की आर्टरी से डाल देते हैं हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल अंदर, तो वो जो प्रोसीजर है उसको सेफ कर देता है।
वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करता है और एओर्टा में डालता है ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। उसके कारण जो ब्लड सप्लाई कॉरोनरी आर्टरी में ठीक रहती है और पेशेंट प्रोसीजर को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। तो ये जो प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी है ये हम उन लोगों में करते हैं जिनमें हार्ट मसल बहुत कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर होने के या तो कार्डियोजेनिक शॉक है या उनको बार बार हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट में इम्पेला कहते हैं इस मिनिएचर पंप को, तो प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी की जाती है। और जो कैल्सिफाइड आर्टरी है उनमें काफ़ी टेक्निक्स है, कटिंग बैलून है, हाई प्रेशर बैलून डायलिटेशन है, रोटाब्लेटर है, लिथोट्रिप्सी है, लेज़र है, ये सारे टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि हम हैवीली कैल्सिफाइड आर्टरी का भी इलाज कर सकें। तो आज हमने इनके बारे में भी डिस्कशन करी, ये जो टेक्निक है इनको कैसे हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, किन लोगों में यूज़ करने चाहिए, एक ही टेक्निक यूज़ करना चाहिए कि कुछ लोगों में सिक्वेंशली डिफरेंट टेक्निक्स यूज है, कटिंग बलून कम रोटाब्लेटर की यूज़ है या रोटाब्लेटर कम लिथोटिप से की यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक हमने कॉरोनरी आर्टरी के बारे में बात करी। दूसरा हमने बात करी कि जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर एक बड़ी दुनिया भर में बहुत बड़ी समस्या है और अनफॉर्चुनेटली हम इसको इतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं, बट अगर हम देखेंगे कि हार्ट फेलियर की जो मॉर्टेलिटी है 5 साल में जो मॉर्टेलिटी होती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।